एक चुनौती हमारे सामने है और उस चुनौती को दूर करने के लिए मैं आज राजस्व परिषद से कहूंगा कि हमें प्राथमिकता के आधार पर लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के साथ ही इस बात को भी हम सुनिश्चित करें कि अब 6 साल के खतौनी के इंतजार को समाप्त करते हुए हम इस बात को सुनिश्चित करें कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई जमीन बेची जा रही है उसी समय उसका नाम उस खतौनी में दर्ज कराने का प्रावधान भी करने की तैयारी हो और दिखाई दे और एक निश्चित प्रक्रिया के साथ हम उसको जोड़ने का काम भी करें। क्योंकि होता क्या है, नहीं तो एक व्यक्ति बार बार एक ही जमीन को कई लोगों को बेचता है, वह तो पैसा लेकर के अपने आप गायब हो जाता है और जो बेचारे रजिस्ट्री करके कागज लेके बैठे रहते हैं कि जमीन हमारी बदला का कोई दूसरा ही व्यक्ति कब्जा करने के लिए गया, फिर उसमें विवाद होता है और कानून व्यवस्था की समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। इसको हर हाल में रोकना पड़ेगा और इसलिए यह व्यवस्था प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य हमें एक समय सीमा के अंदर करना ही होगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इससे राहत मिल सके और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जो समस्या है उस समस्या का हम समाधान कर सके। रजिस्ट्री विभाग को भी, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग को राजस्व विभाग के साथ मिलकर के एक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी कि किसी जमीन की रजिस्ट्री करने के पहले हम इस बात की सच्चाई जाने कि जमीन इसके नाम पे है या नहीं है, खतौनी में हम उसको देखें, अगर है तो रजिस्ट्री करें, नहीं है तो फिर अगर वह व्यक्ति गलत कर रहा है तो पुलिस को बुला करके उसको थोड़ा पुलिस के हाथों भी कर देना चाहिए, जिससे पुलिस उसकी कायदे से उसको कुछ और उखाड़ दे सके। यह व्यवस्था हमें उसके साथ जोड़नी होगी। मैं मानता हूं आधे से अधिक समस्या का समाधान इससे अपने आप हो जाएगा और विवाद का समाधान हो जाएगा। हम लोग कहीं जाते हैं, जनता दर्शन के कार्यक्रम में देखते हैं, आधे से अधिक समस्या राजस्व से जुड़ी हुई और पुलिस से जुड़ी हुई होती है, और वह भी इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, जहां पे एक व्यक्ति की नियत खराब हुई वह किसी के साथ भी धोखा करने के लिए उतावला होता हुआ दिखाई देता है, और इस धोखे धड़ी से हमें मुक्त करना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को, और अन्यथा इसकी चपेट में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी आते हैं। जब तक नौकरी सरकार का वेतन मिल रहा है तब तक उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सरकारी वेतन जैसे समाप्त होता है तब अपनी जमीन पे कब्जा करने के लिए जाते हैं, पता लगा पहले ही कोई दबंग वहां बैठा हुआ है, और फिर उसके बाद वह फिर कार्यालयों का चक्कर, जो इतना चक्कर उन्होंने लगवाए उतने चक्कर उनको भी लगाने पड़ते हैं। इसलिए अभी से व्यवस्था कर लें कि आपके रिटायरमेंट होने के पहले पहले हम पहले गरीब को न्याय दे देंगे तो आपको भी न्याय अपने आप मिल जाएगा, उस बात की व्यवस्था हम सुनिश्चित करें। दूसरा, वरासत से जुड़े भी समस्याओं का समाधान भी एक निश्चित समय सीमा के अंदर ऑटो मोड पर होता हुआ दिखाई देना चाहिए। इसके लिए हमें या किसी व्यक्ति को बार बार कानून को तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसीलदार या फिर तहसीलों के चक्कर लगाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हम इस प्रकार का मैकेनिज्म तैयार करें, अभी तो एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। वरासत के जितने मामले लंबित हैं त्वरा रिकॉर्ड मांगे, जवाबदेही तय करें और एक समय सीमा के अंदर हर तहसील को हम इस बात को जोड़ें कि इसको हमें 0 तक लेके जाना है, और जिससे लोगों को अधिकाधिक सुविधा हो सके। पैमाइश से जुड़ी भी समस्या का समाधान भी हम लोग एक समय सीमा के अंदर कर लें, कोई पेंडिंग नहीं रहेगी। अगर ये राजस्व से जुड़ी हुई इन समस्याओं का समाधान हो जाता है तो अपराध में आधे से अधिक कमी हो जाती है, और अपराध में कमी होती है तो हम प्रदेश के अंदर जिस कार्य में अनावश्यक समय खर्च करना पड़ता है उस समय का उपयोग हम किसी अन्य रचनात्मक कार्य के साथ करेंगे तो प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा।